नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में। मैं आपके साथ स्वाति। इस टाइम हम मौजूद हैं मंगलापुरी सब्जी मार्केट के अंदर और हम देख सकते हैं कि अभी मार्केट बंद है। जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ दिहाड़ी पर कमाते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो कैसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमा रहे हैं, किस तरह से अपना घर चला रहे हैं, आइए देखते हैं। इस कोरोना लॉकडाउन ने हर किसी की कमर तोड़ी हुई है, खासकर गरीब लोग जो रोज़ दिहाड़ी पर अपना पेट भरता है। यही जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बातचीत करी कि किस तरह उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मंडी का, जो हमारे मंगलापुरी वेजिटेबल एंड फ्रूट मंडी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, तो इस मार्केट के जो मेंटेनेंस है, सुबह हमारे जो है मार्केट 5 बजे खुल जाती है और 11 बजे जो है हम बंद कर देते हैं। और यहाँ जो भी है कोविड को देख के जो भी अवेयरनेस है, वो सभी को, लोगों को बताया जा रहा है कि मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह, और हम अपने मार्केट में गार्ड्स भी रखे हैं ताकि यहाँ कोई जो है ट्रैफिक का मामला ना हो सके। और हम लाउड स्पीकर से भी जो है लोगों को जो है बताने में हम सक्षम हैं कि जो है किस तरीके से जो है मार्केट के लोग, वेंडर्स जितने बैठे हैं, ये किस तरीके से जो है इस कोविड को देखते हुए और इस डिसिप्लिन को पालन करें, और अच्छी तरीके से जो मार्केट वाले पालन भी करते हैं। और टाइम से ये मार्केट खुलती है, टाइम से बंद हो जाती है, 11 बजे के बाद ये मार्केट जो है बिल्कुल क्लोज हो जाती है। और एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया मार्केट सुबह 5 बजे से 11 बजे तक खुलती है, तो क्या उस समय कोरोना नहीं होता? नहीं सर, अभी तक ऐसा तो इस मार्केट में ना पिछले साल ऐसा कोई कोविड का जो है पेशेंट निकला इस मार्केट से, और ना इस साल ऐसी कोई जो है अभी तक कोई जानकारी आई है। और लॉकडाउन में क्या क्या दिक्कत होती है आपको? लॉकडाउन में दिक्कत यही है कि जो मार्केट का जो समय है ना, वो समय हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि जो सुबह जो सब्जी लेके आते हैं, 5 बजे सब्जी लेके आते हैं, वो 11 बजे तक वो सब्जी वो पूरा अपना बेच नहीं पाते हैं। उन्हें जो है कुछ सामान बच जाता है, उन्हें जो है अपना जो है फेंकना पड़ता है, या किसी को जो है गली में जाके लोगों को दे भी देते हैं, जो सामान बचता है लोगों को दे देते हैं, गरीबों की मदद कर देते हैं, अनाथ बच्चों के लिए बेच देते हैं, कुछ सब्जी बच जाती है तो अनाथ बच्चों के लिए जो है बेच देते हैं, उनसे भी जो है संपर्क में लगे हुए हैं तो उनको भी कुछ हेल्प हो सके, उनको भी हेल्प कर देते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे दिल्ली सरकार जो है ऑटो वाले के जो 5-5 हज़ार रुपये के जो है धनराशि जो है मदद के रूप में दे रहे हैं, मैं वही चाह रहा था कि अगर हम लोग रेडी पटरी का, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, कि रेडी पटरी वाले बहुत ऐसे जो हैं जो बिल्कुल जो है अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं ये चाहता हूँ अगर इन लोगों को भी अगर कोई सहायता राशि अगर मिल जाए, ताकि अपने बच्चों को भी भरण पोषण करने में इनको आसान हो सके। हर दिन सुबह 5 बजे से 11 बजे तक लगने वाली इस सब्जी मार्केट में हर दिन लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मार्केट बंद होने से पहले जितनी बिक्री हो गई तो ठीक है, वरना लोगों को बची हुई सब्जियों को हर दिन फेंकना पड़ता है और इस नुकसान को उन्हें हर दिन उठाना पड़ता है। लोग दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने ऑटो रिक्शा वालों की आर्थिक सहायता प्रदान की है, उसी तरह से वो बाजार लगाने वाले गरीब लोगों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करें, ताकि जितने नुकसान को वो उठा रहे हैं उसकी भरपाई कर पाए। अभी 31 मई तक लॉकडाउन है, अगर उसके बाद भी लॉकडाउन बढ़ जाता है और ऐसी ही परिस्थितियाँ रहती है तो क्या सही रहेगा? तो महामारी का हिसाब किताब है, बीमारी चल रही है तो उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर केस घटते हैं, लॉकडाउन खुलता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं खुलता तो उसको फिर करा जाएगा, जैसे 2 साल से कर रहे हैं। अभी कोई परेशानी नहीं है, ना हमारी मार्केट से कोई कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट आया है ना निकला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा अंकल जी, मेरा सवाल ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही मतलब सिर्फ इसी चीज़ से काम करते हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है? उनको तो काफ़ी दिक्कत हो रहे हैं जी, इनमें जो काफ़ी परेशानी है, जो काम ढंग से कोई सामान हम लेके आते हैं वो भी हम नहीं बेच पाते हैं, ना कोई कस्टमर भी यहाँ बहुत कम आते हैं डर के मारे, इसलिए हमारे काम धंधे में काफ़ी डाउन है, परेशानी है। हम तो चाहते हैं कि किसी तरीका से लॉकडाउन भी खुल जाए तो अच्छा है, कि ताकि सभी आदमी को दिक्कत ना हो, सभी जो गरीब मजदूर है कमा खा करके अपना किसी तरह गुजारा कर सकते। जी आप रोज़ मार्केट लगाते हैं यहाँ पे? जी ठीक है, तो आपको क्या क्या परेशानियाँ आती है? जी ये जो हमारी मंडी है मंगलापुरी वेजिटेबल एंड फ्रूट मंडी सेलर एसोसिएशन, यहाँ की एक एसोसिएशन है, एक गार्ड रखा हुआ है,
लाउडस्पीकर है, कोविड नियमों का पालन करते हुए ही चलाते हम, और जो भी मदद हो सकती है मंडी की तरफ से अदर दूसरे सेक्शन में वो भी यहाँ का प्रधान यहाँ की एसोसिएशन करती है। पिछले लॉकडाउन में भी ये रहा, कैंप भी लगवाते हैं टेस्टिंग का, इस बार तो नहीं लग पाया क्योंकि टेस्टिंग कम हुई है, लेकिन ना कोरोना का पॉजिटिव केस पहले निकला ना अब निकला, इस बात की खास सावधानी रखी जाती है। जहाँ तक रहेगी दिक्कत की बात तो हम पूरी दिल्ली के अगर जो रेल पटरों की बात करें, क्योंकि सब जगह एक ही समान बात है, बहुत बड़ा जो रेड़ी पटरी का तबका है वो अपने काम से वंचित है। सिर्फ फ्रूट और सब्जी को छोड़ दें तो साप्ताहिक बाज़ार ले लो, जो भी रेड़ी पटरी वाला था, उसके अलावा मोमोज या खाने पीने का सामान या चाय बीड़ी सिगरेट या शाम को गाजर का हलवा बेचता था या दूध बेचता था या छोले कुलचे वाले परांठे वाले ढाबे वाले, इन सब का रोज़गार बंद है और वो भूखमरी की कगार पर हैं। और जहाँ तक सब्जी और फ्रूट का मतलब है, वो भी पिछले लॉकडाउन की बनिस्पत इस बार ज़्यादा रेड़ी पटरी वालों को दिक्कत है, क्योंकि इन दिनों वैसे भी सब्जी बहुत महंगी होती है और सब्जी महंगी है उसके बाद उस सब्जी का कस्टमर आना भी चाहिए और वो सब्जी निकलनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार दो लॉकडाउन ने पब्लिक की भी कमर तोड़ दी है तो वो उतना खरीद नहीं पा रहा जितनी खरीद है, लेकिन एक रेड़ी वाले को तो अपनी पूरी रेड़ी पर सामान लेके आना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर एक फ्रूट लिया हमने 5,000 का, उसको रेडी पे लगाया, अगर कस्टमर नहीं आया तो वो फ्रूट बचाना दूसरे दिन के लिए मुश्किल है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस लॉकडाउन से बीमारी तो कम नहीं हो रही है पर लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, खासकर उन लोगों की जो रोज दिहाड़ी पर कमाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ स्वाति, इंडिया टाइम 24 न्यूज, नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।